यार कैसा चांद से धरती पे गिरा हुआ खानदान है यार। सुबह सुबह चीख पुकार शुरू कर दी। मैं अभी आया। अरे क्या हो गया आप लोगों को? पागल हो गए हो क्या आप लोग? सुबह सुबह चिल्ला रहे। अरे रघु ये देखो पागल पागल। कौन पागल? अरे रघु रात को जो हमने बुड्ढा पकड़ा था ना, तेरी लक्ष्मी माँ का रूप। हाँ वो पागल खाने से भागा हुआ है। क्या समधी जी वही फोन कर रहे हैं? अरे रघु देखो उसकी तस्वीर भी छपी अखबार में, एक पागल गुमशुदा की तलाश। देखा यही है ना वो? ठीक है हम लोग बाहर सड़क पर खड़े रहेंगे ताकि आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बाय। ये तो वही है ना, जाने लक्ष्मी माता किस रूप में दर्शन दे दें। जा ले अपनी लक्ष्मी माता को। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे तो इनको देखकर ही लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है। हाँ इन्हीं की वजह से लक्ष्मी जी हमारे घर पर नहीं आई। ऐसे घर में लक्ष्मी जी आएंगी कहाँ से जहाँ पर पागलों का बसेरा हो। अबे ओ अगर लक्ष्मी माँ के घर पे आने का यही क्राइटेरिया है तो इनके जाने के बाद भी लक्ष्मी माँ घर पे नहीं आएगी क्योंकि हम सब भी वैसे। अरे लेकिन वो लोग आएंगे कब मामा जी? अरे आ जाएंगे, आते ही होंगे। बाबूजी बाबूजी आप कहाँ चले गए थे? बाबूजी चाचा जी कहाँ थे? चाचा जी इतने सारे लोग चले गए थे? ये कौन है भाई? लगता है ये पागल खाने के ट्रस्टीज है मामा जी। बहुत इम्पोर्टेंट पागल होगा ये। अरे नहीं नहीं पागल होगा तो गाड़ी पे कैसे आते? ये कोई और चक्कर लगता है। हाँ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये पागल नहीं है। तो ये मेरे बाबूजी, दरअसल इनकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है इसीलिए हम इन्हें घर से नहीं निकलने देते। कल ना जाने अनजाने में कैसे ये घर से निकल गए, आप लोगों की दया से मिल गए। अरे दया की क्या बात है, हम लोग तो ऐसे काम अक्सर करते ही रहते हैं। लेकिन आप जैसे लोग हमें बहुत कम मिलते। अब देखिए ना बाबूजी को ढूंढने के लिए हमें इन्हें पागल करार देना पड़ा। अगर हम ये कहते कि ये गुम हो गए हैं तो हो सकता है ना जाने कितनी परेशानियां इनके सामने आती। कोई बात नहीं आप घबराइए मत, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है और हम लोग तो होते ही हैं। कितने महान विचार हैं आप लोगों। मैं जानता था आप लोग जरूर महान ही होंगे इसीलिए मैं आपके लिए दिवाली का तोहफा लेकर आया हूँ। अरे नहीं नहीं मिठाई होगी यार। ये देखिए दिवाली का स्पेशल उपहार। मामा कंट्रोल साधु ने, साधु बाबा ने ठीक कहा था, लक्ष्मी चल कर नहीं आई, गाड़ी में बैठ के आई है। लक्ष्मी मैया थी।